बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, बहुत प्यार करने के बच्चों और हमारी माता बहने, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से बंधुओं बड़े गौर से सुने तो बड़ा ही आनंद आएगा। जिसका नाम है बेकसूर बेटी। मेरे भगवत प्रेमियों, आइए पता नहीं इस कहानी सुनकर के मालूम होगा कि कसूर क्या है और बेकसूर कैसे है। नाम है बेकसूर बेटी, तो ध्यान दीजिए। कहे प्रभु तुम तो तुम ही हो और तुमसे निराला कौन, जो भेद पावे आपका वो पाने वाला कौन। तो ध्यान दीजिए, इस किस्सा को हम शुरू करते हैं कि विजयपाल सुज्ञान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, जकी यश कीर्ति की धुजारे स्वर्ग में भैया गारी। एक विजयनगर गांव था, छोटी सी राजधानी थी। विजयनगर कस्बा, वहां के राजा विजय सिंह और विजयपाल के नाम से बुलाया करते थे मेरे बंधुओं। बड़ा ही राजा नेक सुशील था, यश कीर्ति उसकी छा जाती है, तो अब तो घर घर में चर्चा हो जाती है, दूर दूर तक नाम की राजा की खुशबू उड़ने लगी है। हुआ क्या भैया? सकल पुरवासी सुंदर सी एक बन गई है राजा की भैया दासी। आज मेरे बंधु विजयपाल के विवाह हो जाता है। बहुत सुंदर नारी था, जिसका नाम था नारी का मायावती। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मायावती को पाकर के विजयपाल बड़े प्रसन्न होते हैं और कुछ समय के बाद में आहा, रानी की कोख से एक बालक और एक कन्या ने जन्म लिया। तो बंधुओं, धीरे 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 आज राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ है बालक और बालकी को पाकर के। क्या होता है भैया? अरे एक पुत्र था सत्यपाल और एक पुत्री सत्यवती कहते, पुत्र का नाम था सत्यपाल और पुत्री का नाम था सत्यवती। एक पुत्र था सत्यपाल और एक पुत्री सत्यवती कहती, अब होनहार हो करु रहती, अरे होनहार हो करु रहती, मिटती ना देखो कर्म गति। छाने लगा है, इधर राजा धीरे धीरे समय को व्यतीत करते हैं, तो इधर में रानी मायावती बड़ी प्रसन्न है। पुत्र था सत्यपाल और पुत्री का नाम सत्यवती था। मेरे बंधुओं, जब सत्यवती शादी के योग्य हो जाती है तो सुंदरता में बहुत सुंदर थी, हूर कैसी परी लगती थी।
राजा राजकाज में लगे रहते थे, लेकिन अभी बेटी की चिंता विवाह की न हुई थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, राजा की बेटी के ऊपर मंत्री ने निगाह भर के देखा है तो देख करके प्रसन्न हो जाता है। राजा की बेटी के ऊपर मंत्री ने नियत उधारी है, अब नीचे सोच रहा मन में अब कैसे मिले मुझ प्यारी है। सत्यवती नहा धो करके और महल पर ऊपर जाके केश सुखाया करती थी तो एक मंत्री जो घुड़सार उसे सौंप दिया था तो घुड़सार में जाता था, घोड़ों की देखरेख करता था, और इधर में सत्यवती नीचे निगाह डालती है तो मंत्री इधर नौजवान था तो दोनों के नयन मिलते हैं। राजा को कुछ नहीं पता था बंधु। अब ये मंत्री सोचने लगा है कि आखिर राजा की लड़की है, यदि किसी को पता चल गया तो हमें तो फांसी होगी, मजा में सजा मिल जाएगी, इसलिए कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे कि जे हमारे हाथ लगे। तो बंधुओं सत्यवती वो बिटिया नहीं जान पाई उस भेद को और महल से ही उसका मिलना जुलना हुआ करता था, लेकिन कभी बाहर निकल के नहीं गई थी। तो सत्यवती भी मन में चाहती थी कि इनसे मेरा मिलन कैसे हो, और इधर में वो मंत्री सोचने लगा है किससे मिलन कैसे हो। तो एक दिन घर पे जाकर के मंत्री ने एक पंडित को बुलवाया और पंडित से ये सब बताई कि मैं इससे मिलना चाहता हूं, लेकिन अब राजा की लड़की है, मैं इससे मिलूं कैसे। तो पंडित जी कहने लगे, क्या पंडित ने यो कही, मान लो सही अभी मैं जाऊं, अरे तू करतब मेरा देख रे उस राजा को बहकाऊं। आज मंत्री से वो पंडित ज्योतिषी था, कहने लगे तुम चिंता न करो, यह तुम्हारी प्रीत सच्ची है तो हम तुम्हारे प्रेमी को तुमसे मिलवा देंगे, लेकिन राजा के ऊपर भूत सवार करना पड़ेगा। बोले कैसे, ए चल दीनो तत्काल सुनाऊ हाल, अरे भूप ढिंग आयो भूप ढिंग आयो, राजा जूरे दो हाथ रे चरण में सी सुनवायो। जैसे ही पंडिताड़े तिच्छे तिलक लगाए के पहुंचे हैं, पोती पत्रा काख में राजा को जाके प्रणाम किया है तो राजा ने गद्दी सोट करके हाय हाय पंडित को दंडोत किया है और पास में बिठा लिया है और मुस्करा के कहने लगे हैं, हजी पंडित जी आप ज्योतिषी हो। बोले हाँ हाँ, तो अपनी पत्रिका को खोल लो। और क्या बोले हैं, राजा ने वचन उचारो ही जाने बचन उचारे ही, कैसे चल रहे दिन हमारे ही, कहने लगे कि हे पंडित जी पत्रिका को खोल के देखिए, अरे हमारो कैसे समय व्यतीत है रोए, आपकी पत्रिका में साफ साफ लिखो होगो, भाई खोल के हमें बता दो ना, हमारे ऊपर कोई ग्रह चक्कर तो नहीं है। पंडित बोलो यो पानिए, कैसे बोला भैया,
पंडित बोलो यो बानिए अब नाही बचे जिंदगानिए। मेरे भगवत प्रेमियों, किस्सा देख करके, नाम पढ़ करके किस्सा को खरीदें, और नकलची तो आप जानते बहुत पैदा हैं और नकल कर करके भारत को बर्बाद कर दिया। और नाम चीज किसी की है, नाम अपना रख देते, हमने लिखी है। खैर कोई बात नहीं, भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों से चोरी करते आए हैं और कर रहे हैं। तो ये तो आजकल के किस्सा है भैया, हर कोई अपना नाम रखना चाहता है। तो मेरे बंधुओं ध्यान दीजिए, पंडित बोलो यो पानिए, महाराज प्यारी नाही बचे जिंदगानिए। बोले महाराज ऐसी क्या बात है कि तुम पे घरी नक्षत्र बहुत खराब है। भैया सुने पंडित के बिन पेट में पानी है गहुए, भैया सुने पंडित के बिन पेट में पानी है गहुए। अरे पानी है गहुए रे भूप के चारो घुस गहुए, भैया के भीरन ए दादा सुने पंडित के बिन पेट में पानी है गहुए। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, पंडित यानी ज्योतिषी कहने लगे कि महाराज अब कछु दिन के मेहमान हो तुम, कुल चार दिना रह गए, चार दिना। बोले ऐसी क्या बात है, सोच लो महाराज बात हम बता दें तो कहूँ ऐसा ना हो कि तुम हम पे ही उल्टे पड़ जाओ। ना 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 ना, ऐसी कोई बात ना है। अरे ये तो पत्र जो तुम्हारी बताएगी उसमें तुम्हारा क्या दोष है। हाँ सोच लो, कहूँ ऐसा ना हो कि तुम बजाय पत्र आगे हमें फांसी पे लटका दो सुनते ही। बोले बात ऐसी अटपटी सी है, कहूँ ना तुम कहो, खोल के बताओ। तो क्या कहने लगे हैं पंडित जी, सत्यवती बेटी है त्यारी। राजा, अरे सत्यवती बेटी है त्यारी, नागिन बन डस खावेगी। अरे सत्यवती बेटी है त्यारी, नागिन बन डस खावेगी। त्यारी देखो नागिन बने डस खावेगी, हो सत्यवती बेटी है त्यारी। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज देखिए मंत्री के कहने से उस ज्योतिषी ने राजा के ऊपर चक्कर चला दिया, और कैसे भर रहे हुए। अरे चार दिन तुम राजा जियो, अरे चार दिन तुम राजा जियो, अरे खानो खा लो पानी पियो। और क्या, कहती है राजा, अरे पत्रा ये कहती है राजा, नागिन बन डस खावेगी, हो सत्यवती तेरी बेटी राजा। बेटा को खावे,
तुमको खाए बेटा को खावे। अब तो बंधुओ जोशी के वचन सुन करके राजा के नारी घर छोड़ने लगी भैया, पीड़ी कपन लगी। बोले हे भगवान ये का भयो। बोले राजन कैसे सोच में पड़ गए? नहीं आप आगे बताओ। हाँ सोच लो, तुमको खाएगी, तुम्हारे बेटा सतपाल को खाएगी। आहा, अरे तुमको खाए तारे बेटा ही खावे। अरे साच बात आज आप बतावे। और सुनो, अरे गुल है जाई, अरे गुल भुज जाई चिराग ये राजा, हाय नाग ने डस बन खावेगी हो सत्यवती बेटी है राजा। प्रकार से राजा ने जो सुना है तो आज पामो तले धरती खिसक जाती है, घबरा गए। बोले सत्य है कि हमारी ज्योतिष साहब सत्य कहती है, झूठ तो कभी बोलती नहीं। अब तो राजा के सोच छा गया। राजा कहे कर जोर के चरणन शीश नवाई, कहो प्रभु अब कैसे बची सो उपाय देव बतलाए। आज राजा कहने लगा है कि हे ज्योतिषी महाराज, अब आखिर ये मेरी बेटी है, मुझे खाएगी मेरे बेटा को, हमारा तो गुलचिराग हो जाएगा। सोच लो राजा, महाराज कोई उपाय? उपाय भी हम बताएंगे इसका। कहने लगे तब विप्रियो बेटा ले बुलाए के सत्यवती को, ओ राजा जंगल में देव भिजवाए के। अब तो तुम्हारी तभी खैर हो सकती है कि अपनी बेटी सत्यवती को यानी हमेशा के लिए वनवास दे दीजिए, ये घर में घुसी न पावे। तो आज बंधुओ इतने वचन सुन करके हाय हाय, क्या होता अपने बेटा को पास में बुलाते हैं राजा। और क्या हुआ भैया? अरे कुमारो राजा ने बुलवायो दीनों सब भेद बताई। तीनों सब भेद बताई। आज बंधुओ अपने बेटा सत्यपाल को पास में बुला लिया। राजा दुखित होकर के मस्तक पकड़ के कहने लगे, बेटा ई का भयो, ई तो घर की बत्ती घर ही खाए। बोले पिताजी हम तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, आखिर बात क्या है? बोले बेटा तुम्हारी जो बहन सत्यवती है, हाँ हाँ, ये ज्योतिषी कहते हैं कि चार दिन के बाद तुम्हें और तुम्हारे बेटा को ये डस लेगी और खा करके ये अंतर्ध्यान हो जाएगी। ये जब तक है जब तक तुम हो। आहा, तो आज कहने लगे हैं कि हे पिताजी ये तो हमारी बहन है और बहन से हम कितना प्रेम करते हैं, कि विधाता ये कैसी गति हम समझ नहीं पाए। सुनो अब ये ज्योतिष ने कहा है, इसलिए बेटा एक काम करो, बहन को जंगल ले जाना, बहन को वन में ले जाना, लला लौट के वापस नहीं लाना,
बेटा देर करवे को मौको नाए मती तुम देरी लगवाना मती तुम देर जो लगवाना के जल्दी रथ को सजवाना अरे क्या बिटिया को त्याग न कियो हो दीनों सब भेद बताई अरे कुमार राजा ने बुलवायो हो दीनों सब नहीं हो सकता है। अरे हमारी बहन नागिन बन के भला हमको कैसे डस सकती है, ये ज्योतिष झूठ कहती है। राजा कहने लगे बेटा सत्यपाल ज्योतिष कभी झूठ नहीं कहती, अपना भला चाहता है तो मेरा कहा कर। कुमारिया बोला है बानी कुमारिया बोलो हे बानी पिताए तुमने कहा ठानी पिताए तुमने कहा ठानी अरे कुमार सुने वो घबरा जो दीनों सब भेद बताए से सत्यपाल कहने लगा है। बोले महाराज हे पिताजी बहन कभी भाई और पिता को डस नहीं सकती है, ये ज्योतिष तुम्हारी झूठ कहती है। बोले नहीं बेटा ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोला करती है, जो लिखा है वही कहती है। आज मेरे बंधु इस प्रकार से बहुत समझाया लेकिन कुमार के समझ में नहीं आया। इतने सुन के बेनु लगे यो कहने के कुमार हजारी पिताजी मेरी प्राण ने प्यारी बहन रे मुप जाई नाही बिसारी से सत्यपाल रोने लगा है, पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बोले पिताजी आप तो कहते हो कि बहन को जंगल के बीच छोड़े आओ, लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे बिसारूं? अरे सत्य वचन में कहूं दुख जैसा हूं बहन मेरी बारी बहन मेरी बारी बस 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 खामोश रे नालायक बदकारू बस 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 खामोश रे नालायक बदकारू ये बिना मानू नहीं जाकी जिंदगी कर दूं ख्वारे
सुनी मेरी। अब मैं देरी नहीं करूंगा, तू चाहे काम कर या न कर, लेकिन गौर से सुन। जिंदगी करे दो खोर, अरे बद करो बात सुनी मेरी। तू जंदी जा देखी छोरी, बात अब सुन ले खासी मेरी। आज बंदो इस प्रकार से राजा ने कहा कि तेरी जिंदगी उखाड़ कर दूंगा, और सुन यदि मेरा कहा न माना तो आज बंधु बेटा सत्यपाल रोने लगा है, पैर पकड़ लेता है, बोले पिताजी पिताजी मैं तुम्हारे यहां खाता हूं, मेरी बहन को निर्मोही होकर के न त्यागिए। मानो मेरा पिता कहना ऐसा बिगर सोचे समझे कदम न उठाओ। आज कहने लगे ओ नालायक, मेरी भी अपनी खैर के बारे में तुझे कोई फिक्र नहीं। ये ज्योतिषी साहब कहता है कि 4 दिन के बाद तुम्हें ये डस खा लेगी, और फिर भी ये तू बात ज्योतिष बात कहती है फिर उसको झूठ समझता है। आज बंधु एकदम से बेटा गिड़गड़ा गए रोने लगा है। कुमर को मिलाई भारी खाई मारू, गयो है आज कुमर को मिलाई। अरे रथ को लो सजवाई, बहन जब जाने है बुलवाई। आज मेरे भवत प्रेमियों इस प्रकार से राजा ने गादी से उठकर के 2-4 कोड़े जमा दिए लाला में, धरन पे बिलबिला के गिर पड़ा है बेटा। कहने लगा है ठीक है पिताजी, तुम यदि कहते हो तो मैं छोड़े आता हूं, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा कहने लगे जो होगा सो देखा जाएगा, जो हम कह रहे उस काम को करके आओ। तो बंधु आज अपनी बहन के पास सत्यपाल पहुंचा है, सत्यवती के पास, लेकिन अपने भैया को देखा है सत्यवती ने तो दौड़ के आई है। आज आंखों में आंसू छलक रहे हैं भैया के, जो कि मुस्कुरा के बाहों में लेकर के अपनी बहन को कंठ लगाया करता था, आज वो आंगन में चुपचाप खड़ा है, जिसकी आंखों से आंसू छलक रहे। सत्यवती को कुछ नहीं पता था। आज भैया की शक्ल को देख करके बहन पास में आई, बोली है क्या बात है भैया, कैसे मौन हो बताओ।
ना तेरे हाथ, अरे जला दी भेद बताई मेरे भैया, नहीं पड़ू मस्तक भैया, भाई क्यों रो रहे हो, नहीं तो मैं अपने मस्तक को फोड़ के प्राण गमा दूंगी। आज कहने लगा है बहना, अरे मेरी बड़ी की बिगड़ी गई बहना बात, अरे बोलिए, अरे पीरन कैसे बिगड़ गई प्यारी बात, पीरन कैसे बिगड़ गई प्यारी बात, अरे बहना तू दियो भे। आज बंधुआ रो रो करके दुखिया कहने लगी, भैया वो भेद बता जल्दी, ऐसी क्या बात है, कैसे बात बिगड़ गई है। अरे बहना मुझसे कहते नहीं कही जाती है, क्या करूं बहन, अरे बहना, अरे बहना मैं कैसे कहूं, नहीं भैया मुझे बताओ, अरे तो कु दीनो पिता दी बनवास बहना, वनवास हमेशा के लिए त्यागन कर दिया। हाँ बहना, अरे जोत से गयो है सभा में एक आए, जोत से गयो है सभा में एक आए, अरे बहना we'll be right back.
कहता है कि बहना एक ज्योतिषी आकर के सभा के मध्य तुम्हें कहा है पिताजी से कि चार दिन के बाद तुम्हारी बेटी सत्यवती नागिन बन के दस जाएगी। आज जो इतने शब्द सुने हैं मेरे बंधुओं, एकदम से पछार खा के वो सत्यवती पीछे गिर पड़ी। बोले नहीं भैया नहीं, ये कैसे शब्द तूने मुझे सुना डाले। अरे पिताने तो सुलगा जो सुनियो बिरानाथी थलाई भैया, ऐसी कौन सी बहन कौन सी बेटी होगी जो कि आज यह ज्योतिष कहती है, ज्योतिषी कहता है कि नागिन बन के दस जाएगी। अरे क्या बेटी ने माँ बाप या भैया डस खाया है? बहना बहना मैं क्या करूं, मैं आज मजबूर हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पिताजी से दो बात मुझे भी तो करने दो। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से भैया सत्यपाल चलता है। अरे बहन कूले करो धायो सुनियो जी बजाना हमारा, सुन करके भैया के साथ पिता के दरबार आई। आकर के और पिता को प्रणाम किया है आज बेटी ने। राजा ने देखा है तो कहने लगा है, अरे सत्यपाल ले जाए इस नागिन को जंगल के बीच छोड़ करके आ, और हमारा तो से कहना है कि हमेशा के लिए हमने तुझे त्याग दिया, लौट करके इधर कदम मत रखना। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो मैं नागिन हूं और नागिन बन के तुम्हें डस खाऊं। हजी पिताजी, यदि मैं हस नागिन ही होती और नागिन ही हूं तो जंगल भले ही चाहे पाताल में गड़वा दो तो नागिन तो फिर भी आ सकती है तुम्हें डसने के लिए। कुछ नहीं मैं सुनना चाहता, सत्यपाल ले जाओ इसको। आज मेरे भगवत प्रेमियों रथ में बिठा लेता है और लेकर के चल देता है सत्यपाल उसको, सत्यवती को।
तो चले जा रहे और सोच रहे कैसे होता जो लिखा मुकद्दर का उसे कोई मिटाने वाला नहीं। वाह रे भगवान, धन्य है तेरी लीला को। होता लिखा जो मुकद्दर का उसे कोई मिटाने वाला नहीं। नमाश गर्भ में रखा था फिर माँ ने मुझको जन्म दिया। भैया ये कैसी तकदीर है हमारी, बाहों के पलनों में झूली, बाहों के पलनों में झूली उसे याद मिटाने वाला नहीं। होता जो लिखा मुकद्दर का उसे कोई मिटाने वाला नहीं। अब कोई भुलाने वाला नहीं। लिखा तुम कदर में मेरे उसे कोई मिटाने वाला नहीं। सत्यवती रथ में बैठ करके जंगल के लिए भैया सत्यपाल ले जा रहा है। सोचा था मैंने हाय मनो में सोचा था हाय मैंने मनो में डोली बैठे घर जाऊंगी। मैंने ये सोचा था कि पिताजी मुझे हाथों से बिठाल करके मेरा हर डोली में बिठाल के मुझे विदा करेंगे, लेकिन हे विधाता आज ये क्या हो गया भैया। सोचा था मैंने ये मनो में डोली में बैठे घर जाऊंगी, आज नागिन बन आज नागिन मोकू बना दिया, आज नागिन मोकू बना दिया इसे कोई भुलाने वाला नहीं। लिखा जो मुकद्दर में
उसे कोई मिटाने वाला नहीं। मेरे भगवत प्रेमी और जंगल के बीच सत्यवती जब पहुंच जाती है तो आज भैया से रथ में से उतर के कहने लगी, भैया अब तो यह जंगल मेरा घर वास है। हां बहन, मैं क्या करूं और मैं तुझे अपने साथ यदि ले जाऊं तो कहां मैं तुझे रखूंगा और कैसे अपनी गुजर बसर करूंगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो बहन आज समझाने लगी, भैया अरे बीरना लौट के घर तू जइयो। भैया भैया सत्यपाल भैया लौट के घर पूरे जइयो, पिता को जाए के रे यू समझियो। अरे भैया सत्यपाल, कह देना जाके पिताजी से, जंगल छोड़ के गयो मैं तो आई, अब ना वीरन मुख दिखा लाई। प्रकार से रो करके कहने लगी, भैया कह देना पिताजी से जा करके कि अब मैं जीवन में कभी लौट करके वापस नहीं आऊंगी और मैं कभी मुख नहीं दिखाऊंगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, अपनी बहन को सत्यपाल छोड़ करके हाय जंगल के बीच आते हैं, क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों। कुमार हजारी हाय रोई रहो, कुमार हजारी बहनी चलो अपनी त्यागी। मेरे भगवत प्रेमियों तो ध्यान दीजिए, हजारी बहना चलो अपनी को त्यागे। अरे धीरज बन तू न आज बनायो, अरे धीरज बन तू न आज बनायो, लेकर थकू घर कूदायो। अपनी बहन को बार बार मुड़ के देखता है, अरे तो है आज मझारी बहना चलो अपनी पूत्यागे। आज बंधु इधर में कब बहना बन में बिलकी रही, बहना अपन में बिलक रही,
सो ऐसे जाए कहीं। इधर में बहन सत्यवती जंगल में भटक रही है और इधर सत्यपाल ने जाकर के अपने पिता हाय हाय विजय सिंह से जाके कहा विजयपाल से, पिता सो ऐसे जाए कहीं, अरे कलीला प्रभु की न्यारी, अरे कलीला प्रभु की न्यारी, बहना चलो अपनी को त्याग रोई रहो कुमारो हजारी, बहना